हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेडर्स बाजार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आज हमने जो प्रॉफिट किया है 2,143 रुपीज़ का, वो किस बेसिस पे किया है। तो ये डे टू का व्लॉग होने वाला है। तो आज के दिन, कल के दिन अपन ने प्रॉफिट किया था अप्रोक्स 1600 रुपये का, आज 2100 रुपये का प्रॉफिट किया। देखो, आज ओवरऑल प्रॉफिट तो 2600 रुपये का अप्रोक्स है, लेकिन मैंने एक पीई और ले ली थी तो उस पीई में मुझे 450 का लॉस हो गया। अगर ये लॉस नहीं होता तो अप्रोक्स अपना 2600 का आज का प्रॉफिट था। और अपना अकाउंट कितना स्पीड से ग्रो हो रहा है वो आप चीज़ देख सकते हो। तो अपन इस व्लॉग में ये चीज़ देखेंगे कि अपन ने जो ये अकाउंट में पैसे डाले हैं, 56,000 डाले थे तो आज देखो 57,700 हो चुके हैं। और आज का अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 59,600-700 कुछ अपन को मंडे को दिखाया गया, यानी कि 60,000 के अप्रोक्स अपन पहुँचने वाले हैं। तो ये सीरीज़ होने वाली है कि अपन इस 50,000 के अकाउंट को कहाँ तक ले जा सकते हैं। एक ट्रेडर अगर सही ढंग से, कंसिस्टेंसी से अपने सेटअप पे ट्रेड करता है कंटिन्यूसली, तो वो उस अकाउंट को कहाँ तक पहुँचा सकता है, उस रिलेटेड ये व्लॉग होने वाले हैं। तो ये डे टू का व्लॉग है। इस डे टू के व्लॉग में अपन ने यहाँ पे देखो 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है 43,700 की सीई पे। तो इसके बेसिस पे अपन देखेंगे कि अपन ने कैसे क्या प्रॉफिट किया, क्या सिनेरियो था। तो सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे एंट्री ली थी इस पॉइंट पे, 290 के अप्रोक्स अपन ने एंट्री ली थी और 270 का अपना एसएल था, 20 रुपीज़ का एसएल था। और उसके अगेंस्ट मैंने 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बुक किया था, जो कि अपना हो रहा था 50 पॉइंट्स का। तो 270 से 5320 के अप्रोक्स मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। यहाँ का रिजेक्शन मिला मुझे तब, इस रिजेक्शन में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो दोस्तों, अपन रूल बेस्ड काम करेंगे कि अपन 1:2, 1:3 इन दोनों के बीच में अगर अपन को रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होगा तो इसके बीच में अपन बुक कर लेंगे। और अगर किसी दिन ऐसा लगा ट्रेलिंग तो ट्रेलिंग करेंगे, वरना अपन मैक्सिमम टाइम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे कि यार यहाँ पे अपना ये रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है तो अपन यहाँ पे प्लान बुक कर ले और उसके बाद अपन प्रॉफिट पे रिस्क लेने की बात करेंगे। वो सारा आगे वाले व्लॉग्स में अपन देखेंगे कि कितने प्रॉफिट पे रिस्क लिया, ज़्यादा क्वांटिटी क्यों डाली, कम क्वांटिटी क्यों डाली। तो अपन पूरा इस अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करेंगे कि अपन अपनी फुल पोटेंशियल लगा के इस अकाउंट को कितना ग्रो कर सकते हैं। तो आज के दिन अपन ने ये प्रॉफिट किया था, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो कल के दिन मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि यार ये जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट इसके पास आती है और इसके पास आने के बाद अपने को कोई पैटर्न या फिर कुछ भी मिलता है तो उसके बेस पे अपन ट्रेड कर सक रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या पैटर्न मिला, क्या सिनेरियो बना, उसके बारे में बात करते हैं। कल के दिन का अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा हो तो आप एनालिसिस देख सकते हो। YouTube पे अगर आप जाके ट्रेडर्स बाजार सर्च करोगे तो ट्रेडर्स बाजार में इस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। इस लेक्चर में ट्रेडर्स बाजार पे जाके आप वीडियो सेक्शन में जाके ये देखो, व्लॉग डे वन पे मैंने कल के दिन का जो एनालिसिस है वो ये बताया था कि इस पॉइंट से मार्केट के ऊपर मूव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वही चीज़ हुई मार्केट में, मार्केट ने इस पॉइंट से अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की साइड देखने को मिला था। अगर हम 15 मिनट में जाए तो 15 मिनट में ये देखो, मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ पे देखो ये एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना और इसने कितने अच्छे से इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे भी क्लोजिंग दी थी लेकिन हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला तो अपन ने यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं ली। लेकिन यहाँ पे अपने को अच्छा खासा कन्फर्मेशन हो चुका था तो इसलिए अपन ने इस पॉइंट पे एंट्री ली थी, अपनी एंट्री यहाँ थी। और इसके बाद अपना एसएल था वो इस मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे था, 5760 पॉइंट्स का अपना एसएल था और टारगेट जो था अपना 1:2.5 था, जो कि हमें यहाँ तक मिल गया था। अप्रोक्सली 50 पॉइंट्स इस कैंडल ने मूव कर दिए थे तो अपन ने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिया। अगर आज के दिन मैं यहाँ तक वेट करता तो अपने को यहाँ पे देखो, आप यहाँ अगर कॉल के अंदर देखो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ देखो 320 पे अपन ने एग्जिट की थी और मार्केट क्लोज हुआ है 450 के अप्रोक्स। तो दोस्तों, कभी कभार ट्रेलिंग चल भी जाती है, कभी कभार नहीं चलती है। आज मैंने रिस्क रिवॉर्ड बुक कर लिया था, लेकिन कभी अपन आगे ऐसा भी एक ट्रेल भी करेंगे तो कोई लोड नहीं है। देखो, आज ओवरऑल अपना अकाउंट प्लस में ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं कल के दिन के प्लान के बारे में कि कल के दिन हमारा क्या प्लान रह सकता है। अगर हम 60 मिनट में जाके मार्केट को देखें तो मार्केट आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, ट्राइंगल पैटर्न आपको दिख रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस इस पैटर्न पे आ जाए, या फिर अगर डायरेक्टली नीचे आता है तो यहाँ पे बेस बना के फिर इसको ब्रेक कर सकता है। तो आप इस ट्रायंगल पैटर्न को ध्यान से नोट करके रखना और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। डायरेक्टली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड मत लेना क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। ट्रैपिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन लॉजिक्स देखते हैं उन ट्रैपिंग का, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में खोल के देखते हैं,
फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाने लगता है और ब्रेकआउट दिखाता है, तो उस केस में देखो ट्रैपिंग हो सकती है, डबल टॉप या फिर कोई भी पैटर्न बने तो उस पैटर्न पे आप शॉर्ट करना और यहाँ तक का अपना टारगेट रखना आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर मार्केट खुलते ही नीचे आने लग जाए तो ये बेस लेवल है, देखो यहाँ पे आप वेट करना। यहाँ अगर मार्केट कोई पैटर्न बनाता है और ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न और इन मूविंग एवरेज पर अगर सपोर्ट देखने को मिलता है तो उस केस में यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो 44,200 44,300 का। ये पूरा मार्केट अपन को अच्छा खासा टारगेट दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बार मार्केट जब नीचे आए तब डायरेक्टली ऊपर जाएगा तब ब्रेकआउट के चक्कर में आप मत फंसना। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है और इसके यहाँ आके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वेट करना है। देखो कुछ बेस बनने के बाद अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो अपन को अच्छा खासा मार्केट में ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है, और बेस बनने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो एक रिटेस्ट के बाद आप ट्रेड लेना। और उन मूविंग एवरेज का ध्यान रखना कि ये एज अ सपोर्ट की तरह अगर एक्ट कर रहे हो, ये ब्रेक नहीं हुए हो, तो नीचे की ट्रेड जितना हो सके उतना अवॉइड करना, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट मिल जाएंगे बहुत सारे और उन सपोर्ट के बेसिस पे हमको ओवरऑल एट द एंड लॉस भी हो सकता है। सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद मार्केट में ट्रेड करनी है, डायरेक्टली आप अगर ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो मैंने आपको बता रखा था कि यार ये जो लेवल है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है, और एक्चुअल में देखो यहाँ से बाइंग देखने को मिली। निफ्टी में अपन ने ट्रेड नहीं करी थी क्योंकि अब मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करी। निफ्टी में मैंने आज अवॉइड करा क्योंकि निफ्टी में देखो बेयरिशनेस ज़्यादा दिख रही थी, मूविंग एवरेज और ये सारी चीज़ें अपने को अगेंस्ट ज़्यादा लग रही थी। मैं दोस्तों मेनली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ कि किस साइड मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिस तरफ मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मैं उस स्टॉक में या फिर उस इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे व्लॉग डेली बना के बताता रहूँ तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं ऐसे व्लॉग्स डेली आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के दिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।